हरियाणा लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेताओं के द्वारा चेतावनी दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कर्मचारी नेताओं ने धमकी दिए जाने पर नाराजगी जताई है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग से करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा है कि पूरे राज्य में एक भी बूथ पर कोई शिकायत नहीं आई है। कर्मचारी अधिकारियों ने हमेशा ईमानदारी से चुनाव कार्य का निर्वहन किया है। धारीवाल ने कहा कि आप याद करें कि पिछले 9 साल से जायज हक की मांग करने पर कर्मचारियों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़े गए। कर्मचारियों ने अपने मुद्दों के लिए मतदान किया तो इसकी बेचैनी आपको बयान और चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद रिव्यू मीटिंग में चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अफसरों की मनमानी हम सरकार में नहीं चलने देंगे। जिन अफसरों ने चुनाव में अपनी मनमानी करी है उनकी लिस्ट तलब कर ली गई है। इस पर 4 जून के बाद फैसला होगा। अफसर की निष्पक्ष छवि होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति को लेकर काम करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कुछ अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आज तुम्हारा टाइम है, 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। उन्होंने ये इसलिए कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद सूबे में आचार संहिता हट जाएगी और सरकार सक्रिय हो जाएगी। 2 दिन पहले भी मनोहर लाल खट्टर ने बोगस वोटिंग को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि रोहतक, सिरसा और अन्य जिलों में बोगस वोटिंग के मामले आ रहे हैं, ये काफी गंभीर विषय है और इसकी हम जांच करवाएंगे। तो क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वो से पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेताओं के द्वारा चेतावनी दिए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कर्मचारी नेताओं ने धमकी दिए जाने पर नाराजगी जताई है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग से करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा है कि पूरे राज्य में एक भी बूथ पर कोई शिकायत नहीं आई है। कर्मचारी अधिकारियों ने हमेशा ईमानदारी से चुनाव कार्य का निर्वहन किया है। धारीवाल ने कहा कि आप याद करें कि पिछले 9 साल से जायज हक की मांग करने पर कर्मचारियों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़े गए। कर्मचारियों ने अपने मुद्दों के लिए मतदान किया तो इसकी बेचैनी आपको बयान और चेहरे पर साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद रिव्यू मीटिंग में चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अफसरों की मनमानी हम सरकार में नहीं चलने देंगे। जिन अफसरों ने चुनाव में अपनी मनमानी करी है उनकी लिस्ट तलब कर ली गई है। इस पर 4 जून के बाद फैसला होगा। अफसर की निष्पक्ष छवि होनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति को लेकर काम करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कुछ अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आज तुम्हारा टाइम है, 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। उन्होंने ये इसलिए कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद सूबे में आचार संहिता हट जाएगी और सरकार सक्रिय हो जाएगी। 2 दिन पहले भी मनोहर लाल खट्टर ने बोगस वोटिंग को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि रोहतक, सिरसा और अन्य जिलों में बोगस वोटिंग के मामले आ रहे हैं, ये काफी गंभीर विषय है और इसकी हम जांच करवाएंगे। तो क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वो से पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।